अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रोशन तारिक ओमान से आपको लेटेस्ट अपडेट दूंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वो लोग जो ओमान में गैर मुल्की हैं, ओमान में मुकीम हैं, अगर वो वापस अपने मुल्क जाना चाहते हैं वो भी जुर्माना पे किए बगैर, तो वो ओमान से जा सकते हैं आउट पास के ज़रिए, और इसकी डेट है 5 जून तक। जो लोग ऑलरेडी ओमान से आउट पास के ज़रिए वापस अपने मुल्क जा चुके हैं और वो ये चाहते हैं कि वो दोबारा वापस ओमान आएँ, तो इसके लिए उनको इमिग्रेशन से रब्ता करके अपनी मालूमात लेनी होंगी। अगर तो परमानेंट बैन नहीं है उनके ऊपर, परमानेंट बैन नहीं लगा हुआ, तो वो सिर्फ 2 से 5 साल की पाबंदी है, तो वो वापस आ सकते हैं और अपने मामला इमिग्रेशन के ज़रिए जो है क्लियर करके ओमान आ सकते हैं। जी हाँ जनाब, आप जो है वो आउट पास के ज़रिए जाते हैं तो समटाइम्स आपके ऊपर पाबंदी लग जाती है, अगर आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया आज के साथ, या दूसरे किसी रीज़न की वजह से भी आप पर पाबंदी हो सकती है। लेकिन आपको अगर वापस आना है, आप एक दफ़ा जा चुके हैं, तो आपको इमिग्रेशन से पूरी तफसीलात लेना होंगी, उसके बाद आप जो है वो अपना वीज़ा दोबारा से प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये है कुछ इन्फॉर्मेशन ओमान के हवाले से, मज़ीद लेटेस्ट अपडेट भी आपको ओमान से मिलती रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।